फिलहाल दैनिक राशिफल, चर्चा मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आप अत्यधिक ऊर्जावान बने रहेंगे, यानी आपके शरीर में एनर्जी की जो मात्रा है वो शानदार रहेगी, जानदार रहेगी। तो उस मात्रा को बरकरार रखने में, व्यवस्थित रखने में और बैलेंस्ड रखने में आपको भी पहल करनी होगी। आज कुछ अच्छे सौदे, लाभप्रद सौदे आपके हाथ लग सकते हैं। समय का, गोचर के परिणामों का लाभ उठाइए और लाभप्रद सौदे प्राप्त करिए। धैर्य के साथ काम करने की सलाह आज के दिन आपको दी जाती है, क्योंकि मंगल के विशेष एनर्जेटिक होने के कारण, मंगल के द्वारा विशेष एनर्जी आपको दिए जाने के कारण हो सकता है कि आपका पेशेंस थोड़ा सा कम रहे। तो पेशेंसफुली आप किसी काम को करेंगे तो ज़्यादा अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। बड़े व भाई तुल्य लोगों का अपनापन मिलेगा, तो उनके अपनेपन को प्राप्त करिए और उत्साहित हो जाएं, एनर्जेटिक हों। बस ये है कि बैलेंस बना रहे, ये बेहद जरूरी रहेगा। चर्चा वृष राशि की। वृष राशि वालों, काम को लेकर अगर आप दूर की कोई यात्रा कर रहे हैं तो उन यात्राओं के सफल रहने के योगायोग बने हुए हैं, करिए। और साथ ही आज अर्थव्यवस्था में सुधार होता हुआ भी नजर आ रहा है। आर्थिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूलता संजोए हुए प्रतीत हो रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि स्वास्थ्य थोड़ा सा कुछ कमजोर रहे, कुछ मौसम का जो परिवर्तन है ये स्वास्थ्य पर कुछ असर डाले। कहीं पर आज कल जो है बारिश हो रही है तो अचानक से धूप निकल आती है, तो कुछ लोगों की इम्यूनिटी जो है इससे प्रभावित हो सकती है और स्वास्थ्य थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है। उसको मेंटेन करने की अपनी तरफ से कोशिश की जाए। और दैनिक कामों में आज के दिन गति मिलती हुई, दैनिक कामों को गति मिलती हुई भी प्रतीत हो रही है, यानी कामों को स्पीड मिलेगी, गति मिलेगी। बेहतर ढंग से काम करिए, अच्छे परिणाम प्राप्त करिए। चर्चा मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, आज आप इमोशनल रह सकते हैं। आज जो है मन में इमोशंस कुछ ज़्यादा ही फूट फूट कर बाहर आएंगे और भावनात्मक होकर कोई गलत काम नहीं करना है। जो भी करें सोच विचार कर करें, भावनाएं अपनी जगह है, ब्रेन अपनी जगह है, दोनों को काम करने दीजिए। आर्थिक मामलों में अनुकूलता आज के दिन मिलती हुई प्रतीत हो रही है। और इतना ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आज आप कुछ धार्मिक कार्यों को संपन्न कर सकते हैं और उनमें लगना जरूरी भी है। कभी कभार धर्म के लिए भी समय निकालना चाहिए। कर्म करते रहिए लेकिन ईश्वर का धन्यवाद करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और आज का दिन ईश्वर के को धन्यवाद देने का है, तो अगर संभव हो तो समय निकालें। किसी से बेवजह आज के दिन ना उलझें, ये कभी भी नहीं उलझना चाहिए, लेकिन आज ऐसा लगता है कि ये उलझाव रह सकता है, इसलिए हम इस बात की विशेष चर्चा कर रहे हैं। और आइए आगे चर्चा कर लेते हैं कर्क राशि के राशिफल की, दैनिक राशिफल की। कर्क राशि वाले, स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर रह सकता है, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, क्योंकि ख्याल रखने से एक तो कमजोरी आएगी नहीं, अगर आएगी भी तो लिमिट में रहेगी, जबकि लापरवाही दिखाने से, भाई कर्म करने से ही भाग्य बदलता है, तो लापरवाही नहीं दिखाएं, स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहें। काम काज के लिए आज थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, कोई बात नहीं, मेहनत करिए और अच्छे परिणाम प्राप्त करिए। किसी सहपाठी या सहकर्मी से कोई बहस हो सकती है, तो ध्यान रखिए कि बेवजह बहस करना कभी भी उचित नहीं होता है, कोशिश करें टालने की, हो सकता है कि आप टाल पाएं। फोन या लैपटॉप, यानी जो आपकी कुछ डिवाइसेज हैं जो बिजली से चलती हैं, उनमें कुछ तकनीकी खराबी देखने को मिल सकती है। चर्चा सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि की। सिंह राशि वालों, आज के दिन जो है आमदनी और खर्चे दोनों बराबर रहेंगे, यानी जहां से कुछ मिलना था वो तो मिलेगा लेकिन खर्चे भी होंगे। लेकिन एक प्लस पॉइंट है, पिता के सहयोग से आपके काम बनते रहेंगे। तो पिता तुल्य या वरिष्ठ व्यक्ति का सहयोग और आशीर्वाद, अपनत्व लेकर काम करिए, यकीन माने बेहतर परिणाम मिलेंगे। और दूर की यात्राएं आज के दिन आपको फायदा देती हुई नजर आ रही हैं। और साथ ही साथ एक माइनस पॉइंट ये है कि कुछ घरेलू समस्याएं आज के दिन आपको परेशान कर सकती हैं। ये सब के साथ होता है, घर है तो समस्याएं होती हैं, तो इसमें इतना ज़्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, उसको अपने ढंग से हैंडल करिए, ठीक हो जाएंगी। कन्या राशि, दूर की यात्राओं में कुछ व्यवधान रह सकता है आज के दिन, और आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा सा कमजोर रह सकता है, इसलिए यात्रा के दौरान अपने स्वास्थ्य के अनुसार आचरण करें,
अगर संभव हो तो यात्रा को टाल भी सकते हैं, लेकिन अगर जाना जरूरी हो तो जाइए, लेकिन उसके अनुसार व्यवस्था और तैयारी करके जाइए। और वाहन यदि खुद चलाते हैं तो धीमी गति से वाहन चलाने की सलाह आपको दी जाती है। आज के दिन कामों के बनने के योगायोग निर्मित हो रहे हैं, तो न केवल काम बनेंगे बल्कि उन कामों से आपको लाभ भी मिल सकता है। चर्चा तुला राशि के राशिफल की। तुला राशि वालों, कामों को लेकर यात्राएं संभावित हैं, यानी आज के दिन आप काम करेंगे, लेकिन कैसे, भाग दौड़ करके। अगर पहले से यात्रा की प्लानिंग है तो यकीन माने उस यात्रा से जो यात्रा के पीछे जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। दैनिक कामों को आज के दिन गति मिलती हुई नजर आ रही है, यानी एक जो स्लो होकर काम बन रहे थे, बहुत धीरे धीरे चल रहा था काम, उसके स्पीड पकड़ने का समय आ गया है। जीवन साथी से सहयोग मिलता रहेगा, इस बात के योगायोग निर्मित हो रहे हैं। और ऐसा जरूर हो सकता है कि मित्रों से कुछ नाराजगी हो, यानी सप्तम भाव मजबूत हो रहा है लेकिन पंचम कमजोर हो रहा है, बैलेंस बनाने की कोशिश करिए। हालांकि मित्र वही है जो रूठ के मान जाए, लेकिन मित्र रूठते तो जरूर हैं, और कभी कभी ये रूठना लंबे समय के लिए हो जाता है, तो इसका ड्यूरेशन ना बढ़ने पाए, इस बात का ख्याल आपको रखना होगा। चर्चा वृश्चिक राशि के राशिफल की। वृश्चिक राशि वालों, घर के कामों को मनोयोग से निपटाना होगा। दूर की यात्राओं में आज कुछ कठिनाइयां देखने को मिल सकती हैं, इसलिए उसके अनुसार प्लानिंग करके चलें। जहां तक हो सके विवाद को टालने की कोशिश करिए। और अगर आप आज के दिन कोई निवेश करने जा रहे हैं तो उसके लिए दिन बहुत ठीक नहीं है, संभव हो तो उसे आने वाले दिनों के लिए टाल सकते हैं। चर्चा धनु राशि की। धनु राशि वालों, आज आप थोड़े से इमोशनल रह सकते हैं, जज्बाती रह सकते हैं, जज्बातों पर नियंत्रण पाके काम करेंगे तो बेहतर परिणाम मिलेंगे। हालांकि कभी कभार जज्बाती होना भी अच्छी बात है। एनर्जी को बेकार के कामों में ना लगाएं, जहां से ये हो कि इसका परिणाम खराब ही आना है तो वहां पर एनर्जी खर्च ना करें, क्योंकि आज आप जिस काम को लेकर सोच रहे हैं कि ये इसके परिणाम ठीक नहीं रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि आप सही सोच रहे हैं। फोन को संभाल कर रखें, नहीं तो गिर सकता है, टूट सकता है, गुम सकता है, इसलिए आज कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको केयरफुली हैंडल करें। अधिक ठंडे पानी का सेवन करने से आज के दिन बचें, खासकर जब आप भीगे हों, पसीने से युक्त हों, तो ठंडा पानी ना पिएं। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि वालों, आज धन लाभ के सुंदर योग बन रहे हैं, लेकिन रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। लाभ प्राप्त करिए लेकिन बेवजह का रिस्क मत उठाइए। अच्छा बोलिए, अच्छा खाइए, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और संबंधों का ख्याल रखिए। घरेलू समस्याओं को नजरअंदाज करने से बचने की सलाह आपको दी जाती है। चर्चा कुंभ राशि के राशिफल की। कुंभ राशि वालों, आत्मीय व्यक्ति से विवाद करने से आपको बचने की सलाह दी जाती है। किसी भी निजी संबंधों को लापरवाही से हैंडल नहीं करना है, और साथ ही आपको अपने काम को डेडिकेशन के साथ करना है, समर्पण के साथ करना है, काम को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। भाइयों और पड़ोसियों से अगर संबंध खराब चल रहे थे तो उनको सुधारने की पहल कीजिए, कोशिश कीजिए, यकीन माने आपकी कोशिश कामयाब होगी। ज्योतिष के योगा योग इस बात का संकेत कर रहे हैं। कामों में गति आने के भी योग बन रहे हैं, यानी आपके कामों में जो शिथिलता आपको देखने को मिल रही थी उनके ठीक होने का वक्त आ गया है। चर्चा मीन राशि की। मीन राशि वालों, किसी स्वजन को लेकर कुछ चिंताएं आज के दिन रह सकती हैं। वाणी पर संयम रखने की सलाह भी आपको दी जाती है, और दूर की यात्राएं सावधानी पूर्वक करेंगे तो परिणाम ज्यादा अच्छे मिलेंगे। आर्थिक मामलों के लिए दिन कम अनुकूल है, बस इन बातों का ख्याल रखिए। जीवन को खुशियों से भरने वाला ज्योतिष विज्ञान ऋषियों की अद्भुत देन है, लेकिन उसका लाभ लेने के लिए जगना जरूरी होता है, लगना जरूरी होता है, तभी आप असंभव को संभव कर पाते हैं। इसलिए आप जरूर देखते रहिए समय शास्त्र, आपका समय बेहतर होने के योग बनेंगे और खुशियां आप तक जरूर पहुंचेंगी। इसलिए चलते रहिए समय के साथ। चरैवेति चरैवेति। नमस्कार।